ठंडे कस्बे इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। इस हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रजौरी के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार यात्री वाहन मंजाकोट से रजौरी की ओर जा रहा था और ठंडे कस्बे इलाके में चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और दो अन्य वाहनों से टकराकर सड़क पर पलट गया। इस खबर पर और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से ये हादसा जो है ये रजौरी में पेश हुआ है। वहाँ पर ठंडी कस्सी इलाके में ये सुबह सुबह आज हादसा हुआ, जिसमें एक स्टूडेंट की मौत बताई जा रही है, यानी एक विद्यार्थी की मौत बताई जा रही है, और लगभग 21 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए रजौरी के जीएमसी अस्पताल में पहुँचाया गया है। वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। कहीं ना कहीं ये आज सुबह सुबह एक दुखद घटना, दुखद हादसा जो है ये निकलकर सामने आया है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेद जुड़ चुके हैं। जमशेद से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जमशेद, जरा बताइए ये हादसा कहां पर हुआ और क्या कारण रहा इस हादसे का, और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? हादसा ठंडी कस्सी इलाके के पास टंडवाल इलाका है, वहाँ पे राधा स्वामी सत्संग है, उसके साथ ही बिल्कुल हाईवे पे हादसा पेश आया और ये गाड़ी मंजाकोट से राजौरी की तरफ आ रही थी, कैंटर गाड़ी थी, और हादसे के कारण जो बताया जा रहा है वो तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग के कारण ये हादसा हुआ है। क्योंकि जितना ये बताया जा रहा है कि कैंटर बहुत ज्यादा तेज आ रहा था, जिसके चलते इसने दो निजी गाड़ियां, दो कार को भी हिट किया, उसके बाद ये सड़क पर उलट गई, जिसमें 25 साल नौजवान की मौत हो गई और 21 इसमें लोग घायल हैं, जिसमें से तकरीबन 14 के करीब स्टूडेंट इसमें बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, स्टूडेंट कॉलेज स्कूल की तरफ आ रहे थे और उस वक्त ये हादसा पेश आया। लगातार इस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है, जहां इससे पहले कई बड़े सड़क हादसे हुए, कंडी रोड पर सड़क हादसा पेश आया, उसके बाद शारदा स्ट्रीट पर सड़क हादसा पेश आया, उसके बाद आज ये हादसा पेश आया। इस तरह देखा जाए पिछले एक महीने के अंदर 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन सड़क हादसों में, मगर उसके बावजूद भी सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ड्राइवर को अपील की जा रही है कि वो गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, धीरे से चलाएं, ओवरटेकिंग ना करें। उसके अलावा प्रशासन की तरफ से लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही थी, चाहे सिविल प्रशासन की तरफ से, हमने देखा था कि पिछले दिनों सिविल इंतजामिया की तरफ से भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस की तरफ से भी की जा रही थी, और उसके बावजूद भी ये लोग लगातार इस तरह के हादसे पेश आना ड्राइवरों की लापरवाही है। हालांकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से लगातार ड्राइवरों से और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो लोग भी, अगर कोई ड्राइवर तेज चला रहा है गाड़ी तो उसको तेज चलाने से मना करें। मगर बिल्कुल जमशेद, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो डोडा में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, एक बस जो है वो खाई में गिरी थी। हालांकि उसके बाद काफी हद तक जम्मू कश्मीर के हर जिले में ट्रैफिक की बात करें या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार कोई ना कोई कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये तेज रफ्तार गाड़ी थी और उसी की वजह से हादसा हुआ है, क्या यहां पर और कुछ जरूरत सख्त कदम उठाने की है यहां पर ट्रैफिक पुलिस को? बिल्कुल शीतल, जरूर है, क्योंकि उसकी कई सारी वजहें और भी हम कह सकते हैं, क्योंकि राजौरी पुंछ के अंदर अगर बात करें शीतल, इससे पहले तकरीबन 10 साल पहले इन रूट पर सिटी सर्विस नाम से गाड़ियां चलती थी, जिसके कारण ये होता है कि ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी नहीं होती थी, क्योंकि जो भी छोटे रूट होते थे 10 किलोमीटर तक के, यहाँ पर सिटी सर्विस दिन भर चलती थी। वक्त के साथ साथ सिटी सर्विस जो थी वो गाड़ियां खत्म हो गई, छोटी गाड़ियों ने उनकी जगह ले ली, जिसके कारण अब ये देखने को मिला कि पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं और गाड़ियां कम होती जा रही है, जिसके कारण इनमें ओवरलोडिंग और जल्द भागने की कोई जरूरतें देखने को मिल रही है। इसमें हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी की गई थी कि वो अगर इन छोटे रूट के लिए गाड़ियां लेना चाहते हैं तो प्रशासन को फौरी ये गाड़ियां भी देगा, मगर उसके बावजूद भी शीतल यहाँ सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है कि सवारी को लेके तेज भागने की वजह से इस तरह के हादसे इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। मगर आप इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूर वक्त आ गया है, क्योंकि इन ड्राइवरों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनके मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद ये तेज रफ्तारी का कहर जरूर थम सकता है, वरना ये तेज रफ्तारी का कहर लगातार इस तरह देखने को मिलता रहेगा। शीतल, बिल्कुल बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमें बताने के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। ये सुबह सुबह एक जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 21 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और एक 21 से 22 वर्षीय युवक भी इस गाड़ी में जो है वो उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वो एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, और उसकी मौत हुई है। फिलहाल लगातार इस पर शिकंजा कसने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है। ये बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार गाड़ी थी और उसी के चलते ये हादसा हुआ है।